9 सितंबर को अक्षय कुमार अपना 50वां जन्मदिन मना चुके हैं। उनके जन्मदिन पर उनके फैंस ने उन्हें ढेरों सेलिब्रेशंस की शुभकामनाएं दी और अक्षय को अपने अंदाज में बर्थडे भी विश किया। लेकिन आपको पता है, अक्षय की कुछ मूवीज ऐसी हैं जो कभी रिलीज नहीं हुई। निर्देशक निखिल आडवाणी अक्षय कुमार के साथ चांदनी चौक टू चाइना, पटियाला हाउस और रेड लिफ्ट में साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा दोनों में से एक और मूवी साथ में की है, इसका नाम था चांद भाई, जो शायद कभी भी रिलीज नहीं होगी। अक्षय कुमार ने इस मूवी को 1993 में साइन किया था। मूवी में उनके अपोजिट दिव्या भारती थी, लेकिन मूवी शुरू होने से पहले ही दिव्या भारती का निधन हो गया, जिसके कारण यह मूवी अटक गई और कभी शुरू ही नहीं हो पाई। अक्षय कुमार के अलावा इस मूवी में जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, ममता कुलकर्णी, अमरीश पुरी और बिंदु थे। इसे निर्देशित कर रहे थे रॉबिन बनर्जी, लेकिन कई कारणों से मूवी की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई और मूवी सिनेमाघरों तक नहीं पहुँच पाई। साल 1997 में इस मूवी में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी मुख्य भूमिका में थे। यह मूवी पूरी हो गई थी, हालांकि यह कभी भी रिलीज नहीं हो पाई। अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी और चंद्रचूड़ सिंह की मूवी मुलाकात को मुकेश भट्ट प्रोड्यूस करने वाले थे, हालांकि कुछ दिन की शूटिंग के बाद से ही इस मूवी पर भी ग्रहण लग गया और यह मूवी अधूरी रह गई। अक्षय कुमार ने साल 2001 में खिलाड़ी सीरीज की एक और मूवी साइन की, जिसे डायरेक्टर उमेश राय डायरेक्ट कर रहे थे। हालांकि किन्हीं कारणों से यह मूवी भी अब तक रिलीज नहीं हो पाई है। राज कपूर संतोषी की मूवी सामना 2006 में अक्षय कुमार के अलावा अजय देवगन, नाना पाटेकर, रितेश देशमुख, उर्मिला मातोंडकर और महिमा चौधरी थे। यह मूवी भी आज तक कभी रिलीज नहीं हो पाई है। यह साल 2009 में आई मूवी अक्षय कुमार की ब्लू का सीक्वल टाइटल था, जिसे 2010 में रिलीज होना था। मूवी की कास्टिंग को लेकर समस्याएं हुई, जिसकी वजह से यह मूवी भी अटक गई। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।